बागपत के खेकड़ा की बेटी रेणुका पवार ने अपनी सुरीली आवाज के दम पर हरियाणवी सिनेमा में मील का पत्थर रख दिया है। रेणुका के गाने बावन गज का दामन गाना इस समय देश नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहा है। इस गाने को अब तक 100 करोड़ दर्शक देख चुके हैं। सिर्फ 8 महीने में 1 बिलियन दर्शक तक पहुँचने वाला हरियाणवी सिनेमा का ये पहला गाना बन चुका है। रेणुका के बाकी गानों को भी लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेणुका का परिवार मूल रूप से शामली जनपद का रहने वाला है, लेकिन उनका जन्म बागपत के एक छोटे से कस्बे खेकड़ा में हुआ। रेणुका ने यहीं से अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। देखते ही देखते रेणुका हरियाणा में अपने गानों को लेकर इस कदर छा गई कि अब उनके फॉलोअर्स बिलियंस में हो गए हैं। उनके गानों का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। वही सिंगर रेणुका पवार ने बावन गज का दामन गाने के 1 बिलियन व्यूज आने पर बेहद खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि इसके पीछे जनता का हाथ है जिसने इतना प्यार दिया और बावन गज को बिलियन तक पहुंचाया, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। साथ ही रेणुका पवार ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। देखो, मैंने कहीं से नहीं सीखा, जो भी है मेरे माँ बाप के गुण है मुझ में बस, और भगवान की देन है जो मैं आज यहाँ हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे अभी कल और परसों खेकड़ा में सम्मानित किया गया। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है उनके लिए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ को देखने के लिए। और जैसे आपने पूछा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी और मैं आज भी वहीं हूँ। बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे तो मैं ऐसी आगे तरक्की करती रहूँगी। रेणुका जी, अब तक कितने गाने आपके रिलीज हो चुके हैं? रिलीज तो मेरे 200+ हो चुके हैं और आगे भी आपको 1-2 सॉन्ग मेरे जो कि आने वाले हैं, जिनका नाम है कबूतर और जाऊंगी पानी लेन में, वो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे नज़दीक आपके दिल के कौन सा गाना है? सबसे नज़दीक है जो मैंने गाया है जी। वो मेरा पहला सॉन्ग है जो कि मुझे प्रदीप सोनू भाई हैं और तरुण पांचाल जी हैं, उन्होंने मौका दिया था, उसका नाम है खुदा की इनायत। तो वो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। आप दर्शकों के लिए 2 लाइन अपने सबसे सुपरहिट गाने की सुनाए। सुपरहिट गाने की या फिर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग की सुनाइए। ठीक है, तो मैं सभी के लिए सुनाना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा के लिए जो मुझे सब लोग प्यार करते हैं उनके लिए मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज्यादा तुम्हें करती हूँ प्यार। वही बेटी की सफलता पर माता पिता बेहद खुश हैं और बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये जब छोटी थी, इसको छोटेपन में बचपन में बहुत शौक था, गुनगुनाती रहती थी और पढ़ाई के साथ साथ इसने संगीत का भी अपने साथ किया और आज हमें इस बहुत खुशी हो रही है। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी इतनी ऊंचाई छुएगी और जो आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनी रहे। और जो परसों प्रोग्राम हुआ था वाटिका में, उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज पहलवान जी ने और उमेश सर हैं स्कूल के मास्टर जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। ऐसे ही जनता का और उनका सभी का प्यार मिलता रहे मेरी बेटी के लिए। अच्छा, जब रेणुका ने पहली बार कहा कि मुझे गाना गाना है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी अंदर से बहुत इच्छा थी। एक बार उनके पापा ने कहा कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर जब गाना आया और दुनिया ने सपोर्ट किया, प्यार मिला पब्लिक का, तो हमें बहुत अच्छा लगा इसके पापा को भी। करीब 5 साल पहले मिले ब्रेक के बाद रेणुका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट गाने रेणुका ने दिए हैं। हरियाणवी और पंजाबी सिनेमा में वो मुकाम हासिल कर चुकी है। रेणुका पवार ने सिर्फ हरियाणवी ही नहीं, पंजाबी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी है।
कई बेहतरीन गाने अब तक वो गा चुकी हैं। रेणुका बताती हैं कि बॉलीवुड तक पहुंचना उनका लक्ष्य है। रेणुका को साथी कलाकार हरियाणा की लता मंगेशकर के नाम से भी पुकारते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।